खनन माफिया ने ले ली मासूम की जान। नदी किनारे बालू खनन से बने गहरे गड्ढों में डूबने से 6 साल के मासूम की जान चली गई है। खनन माफियाओं द्वारा नदी किनारे बालू खनन से बने गड्ढों में भरे पानी में डूब जाने से 6 साल के मासूम की जान चली गई, जिससे उसके परिवार में कोहराम मच गया। परिजन खनन माफियाओं पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खबर बरेली के नवाबगंज से है, जहां नगर के मोहल्ला प्रेम नगर निवासी लाइक अहमद सिद्दीकी ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजार बसर कर रहा था। उसकी 4 संतानें हैं। उसका 3 नंबर का पुत्र मोहम्मद शैवान 6 वर्ष अपने घर से कुछ दूरी पर नगर से सटकर बहने वाली पनघैली नदी किनारे अपने दोस्तों के साथ खेल खेल में बरसात के पानी में बह गया। नदी किनारे में खनन माफियाओं द्वारा बालू का जमकर खनन किया गया है, जिससे नदी के किनारे गहरे गहरे गड्ढे बने गए हैं। इन दिनों हो रही भारी बारिश के चलते इन गड्ढों में पानी लबालब भर गया है। बरसात के पानी में नहाते नहाते मासूम शैवान नदी किनारे बने गड्ढे में चला गया और पानी में डूबने लगा। पानी में डूबते देख उसके दोस्तों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे मोहल्ले के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और उन्होंने मासूम को बाहर निकाला, लेकिन जब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मासूम की मौत के बाद उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। दीन दिन समाचार के लिए नवाबगंज बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। जी फैजुल नाम है। फैजुल भाई जी, ये जो बच्चा डूबा है लाइक भाई का सावान जी, क्या वजह है, कैसे डूब गया ये? अरे वहाँ बहुत बहुत गहरे लोगों ने गड्ढे करा दिए। कहाँ, किस जगह? पनघैली नदी के किनारे पे, वहीं पे ये डूबा है। गड्ढे कैसे करें? रेत उठी, वहाँ से रेत उठाई जाती, खनन किया गया, बालू खनन होता है वहाँ। बालू खनन जी, तो उससे गड्ढे बन गए। गड्ढे बन गए, वहीं से जो है उसी में घुस गया जो और डूब गया। उस गड्ढों में ही डूबने से बच्चे की जान चली। क्या लग रहा है, आगे भी इससे खतरा है? खतरा है, बच्चे और भी जा सकते हैं, और भी डूब सकते हैं। कभी शिकायत की अधिकारियों से कहीं? नहीं, हमने तो नहीं की। किसी ने नहीं की बस्ती वालों? जी जी नहीं की। अब जबकि ये एक बच्चा डूब गया है, उसकी मौत हो गई, आगे आप लोग अधिकारियों से कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना चाहिए। लेना चाहिए, अगले भी जाने जा सकते। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। कहाँ रहते हैं आप? जी रहते हैं। ये बच्चा जो डूबा है, इनका लाइक भाई का सहवान, आप वहाँ पहुँचे थे? यहाँ खड़े हुए थे हम, बच्चे आए थे छोटे छोटे बुलाने के लिए जी। ये बोल उसका लाइक का लड़का डूब रहा है, तो भागते भागते टाइम लग गया अब तक तो। फिर कैसे निकाला उसको? तो पैर लग गया, खाली पैर लगा, बैठ जाते नीचे। ये डूबा जिस जगह पर डूबा है वहाँ से रेत निकाली गई है, गड्ढे में डूबा है, जो नदी किनारे गड्ढे बन गए हैं। हाँ, रोपा ने रेत लगाई वो। किसने? राहुल। क्या नाम है आपका? लड़के मन। कहाँ के रहने वाले हो आप? नवाबगंज मोहल्ला प्रेम नगर। ये जो बच्चा है सहवान, ये आपका बेटा है जी? ये कै बजे घर से गया था नदी नहाने के लिए? करीब 1:30-2 बजे निकला है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर गया, ये बारिश में कोई गया नहीं, चले ये पानी में निकल गया, डूब गया। गड्ढे वहाँ गड्ढे थे ना नदी के किनारे, रेत जो है रेत निकाल ली लोगों ने, वहाँ पे गड्ढे गए जी, उसमें डूबा है ये। आप लोगों को कैसे पता चला फिर? हमारे यहाँ तो खबर आई है वहाँ से। क्या? कि आपका लौंडा डूब गया। किसने बताई ये बात? वहीं मोहल्ले के लौंडे आए थे बुलाने के, बताने के लिए।